hello everyone welcome back to my youtube channel there are so many students who have been requesting me for topics on operations management so i will be posting certain topics which i have noted from your comment section so the first topic which we'll be covering today that's called total quality management also called as tqm so let us begin so what are the various learning objectives of this particular session what we'll be covering in this particular session the first thing we'll be covering is the meaning of tqm the second thing we'll be covering is the objective of tqm the third we'll talk about evolution Fourth, we'll be talking about components of TQM. Then we'll talk about benefits of TQM. We'll talk about necessary requirements of TQM and we'll also cover that process of TQM. So let's begin with the first thing, and that is called the meaning of TQM or what is called total quality management. So as per the definition given by Shaskin and Kizir, TQM is defined as creating an organizational culture committed improvement of skills, teamwork, process, product, service quality, and customer satisfaction. If इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करें तो आपको एक सिंपल सी चीज नजर आएगी दैट टीक्यूएम इज लेस देन अ प्रोसेस इट इज मोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली टीक्यूएम जो है वो पहले प्रोसेस की तरह स्टार्ट हुआ था लेकिन धीरे धीरे करके ये एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ट्रांसफॉर्म कर गया जिसका ये पर्पस है कि हमें हर चीज को इंप्रूव करना है चाहे वो हमारे स्किल्स हैं चाहे वो हमारे प्रोसेस हैं चाहे वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो हमारी सर्विस की डिलीवरी प्रोसेस है चाहे वो हमारा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है वी नीड टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी थिंग एंड दैट इज वाई वी नीड टू बी वेरी कमिटेड ऑल्सो हमें कमिटेड रहना है एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल वन टेक यू एम इज अ पार्ट ऑफ कल्चर राधर देन इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस सो इट इज डीपली इम्बेडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जैसा कि डेफिनेशन क्लियरली हमें बताती है दैट इट इज something which is part of organization culture. So for TQM's we need three things. हमें तीन चीजों की ज़रूर requirement होती है TQM के लिए. First, we need to understand customer requirement and we need to meet them. हमें customer requirements को लगातार समझते रहना है, उसकी needs को समझते रहना है और हमेशा कोशिश करनी है कि हम उसके requirement को meet कर पाएं. Second is continuous improvement through management process. आपको लगातार इंप्रूव करना है चाहे वो आपके स्किल्स हैं चाहे वो टीम वर्क है चाहे वो प्रोसेस है चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन है यू नीड टू इंप्रूव एवरी डे सो दैट यू कैन सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोसेस देन थर्ड थिंग इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द इंप्लॉइज इट इज नॉट समथिंग की आप कुछ लोग टीक्यूएम को फॉलो करें और कुछ लोग टीक्यूएम को फॉलो ही ना करें यह तभी पॉसिबल है टीक्यूएम तभी पॉसिबल है जब ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट मिले एंड एवरीबडी शुड बी कमिटेड टू गिव देर हंड्रेड परसेंट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट देन ओनली टीक्यूम इज पॉसिबल लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीक्यूएम ऑब्जेक्टिव क्या है इसके उसके बारे में बात करते हैं सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कंपनी कांट सस्टेन ऑन द फिलोसफी ऑफ टेक इट और लीव इट विद द कस्टमर्स जब आप कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जब आप सस्टेन बिजनेस में सस्टेन करना चाहते हैं आपकी फिलोसफी कभी भी ये नहीं हो सकती टेक इट और टेक इट और लिमिट का मतलब यह है कि लेने का मन है तो ले लो वरना छोड़ दो ठीक है यू कांट बी एज रूड टू द कस्टमर एंड दैट इज द रीजन वाई रिलेशनशिप ऑफ द कस्टमर इज द की आपको और कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना है ठीक है क्योंकि ये जो टेकिट और लिमिट है दैट कैट बी वन टाइम ट्रांजेक्शन के लिए तो शायद ये काम भी कर जाएगा बट अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो ये कभी भी काम नहीं करेगा अब एक सिंपल सा रिलेशन समझते हैं कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं बिकॉज इफ द कस्टमर इज सेटिस्फाइड ट विल हैल्टी ऑब्वियसली अगर कस्टमर सेटिसफाई होगा तो वो लॉयल बन जाएगा आपका बनेगा, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहेगा और अगर वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जुड़ा रहेगा तो ही विल गिव यू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथएम मीन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ तो वर्ड ऑफ माउथ आपको काफी पॉजिटिव मिलेगा और आपको रिकमेंडेशन मिलेगी उन्हीं कस्टमर्स को जो आपको और भी ज्यादा नए कस्टमर्स लाके देंगे अब इसी वजह से हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन जाता है टीक्यूएम का इज द मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट कस्टमर के रिक्वायरमेंट को अगर आप पूरा करेंगे दैट लीड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन दैट लीड टू कस्टमर लॉयल्टी एंड दैट लीड टू रिकमेंडेशन एंड दैट इज द रीजन वाई टीक्यूएम का फर्स्ट पर्पस है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए देन वी नीड टू अंडरस्टैंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको लगातार इंप्रूव करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने प्रोसेस के बारे में अपने डिलीवरी के बारे में यू नीट टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्रोसेस मोटिवेट इंप्लाइज टू डू देर बेटर एवरी टाइम और ये तभी पॉसिबल है क्वालिटी एश्योरेंस सो दैट एवरी टाइम जब भी वो काम करें आपको बेटर रिजल्ट दे लास्ट टाइम से And the third objective is to develop the relationship of openness and trust among all the employees. TQM तभी पॉसिबल है जब सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और वो सभी लोगों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है एक ट्रस्ट है एक ओपननेस है सो दैट एवरीबडी शुड हेल्प अदर्स टू लर्न समथिंग न्यू तो जब भी आप लर्निंग कल्चर क्रिएट करते हो जब आप क्रिएटिव कल्चर क्रिएट करते हो इनोवेटिव कल्चर क्रिएट करते हो तो ही टीक्यूएम पॉसिबल है अदरवाइज पॉसिबल नहीं है डेस्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ टीक्यू टीक्यूएम अब इमरजेंस ऑफ टीक्यूएम इज नॉट न्यू अब हम कुछ नई चीज नहीं है इट इज इवोल्यूशन के कुछ स्टेजेस स्टेज वाइज समझेंगे तो जो फर्स्ट स्टेज था दैट वाज कॉल्ड डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट अब इसमें क्या होता था उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम क्या करते थे वी यूज टू इंस्पेक्ट हम इंस्पेक्शन फंक्शन यूज करते थे मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है एट द सेम टाइम ऑफ द प्रोडक्शन वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट जिस भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट है उसको हम साइड कर देते थे और इस तरीके से हम डिटेक्शन करते थे और बाद में उसी को रेक्टिफाई कर लेते थे दैट दैट द फर्स्ट स्टेज स्टेज देन उसके बाद आपका second stage आया कॉल्ड प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ ऑफ अब का मतलब क्या था कि थाज में यूएसए ने रियलाइज किया दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट लीव नो रूम फॉर सेविंग वेस्टेज ऑब्वियसली बात अगर आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया

जो कंसेप्ट है वो इसी नाइनटीन थर्टीज के बाद शुरू हुआ जहां पर कि आपने प्रिवेंशन शुरू कर दिया कि हमें गलती करनी ही नहीं है हमें वेस्टेज को से बचना है राइट द थर्ड स्टेज अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ प्रोडक्ट डिजाइन इंप्रूवमेंट के ऊपर काम शुरू हो गया प्रोडक्ट डिजाइन इंप्रूवमेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं प्रोसेस कंट्रोल आपके वेस्टेज को तो रोक सकता है बट इट कैन नॉट स्टॉप एरर्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन अगर प्रोडक्ट के ही डिजाइन में कोई एरर है तो वो प्रोसेस कंट्रोल कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता एंड दैट इज द रीजन वाई नाइनटीन इंप्रूवमेंट थ्रू प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट प्लानिंग इसीलिए जापनीज ने नाइनटीन इसको रियलाइज किया एंड दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट उन्होंने कहा कि हमें प्रोडक्ट डिजाइन के एरर्स को भी दूर करना है एंड दैट कैन ओनली भी पॉसिबल जब आप प्रॉपर प्रोडक्ट को डिजाइन करो उसकी प्लानिंग करो कस्टमर्स की नीड को समझो आप अपने सेगमेंट्स की नीड को समझो आप देखो कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसी हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करो देन द फोर्थ स्टेज केम एंड दैट वॉज कॉल्ड क्रिएटिविटी ऑफ एन इनोवेशन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में क्या होता है कि 1980s में क्वालिटी सर्कल का कंसेप्ट आया और क्वालिटी सर्कल के ऊपर मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वहां से देख सकते हैं तो क्वालिटी सर्कल के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया सो so दैट कि ये जो टीक्यूएम का concept है ये प्रोसेस ना रहे ये कल्चर बन जाए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इस टीक्यूएम इज अ प्रोसेस और इट इज इट अ कल्चर तो आप इसका आंसर यहीं से निकाल सकते हैं बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टीक्यूएम जो है वो एक कल्चर की तरह डेवलप कर गया है बिकॉज अगर क्वालिटी सर्कल्स आप बनाओगे क्वालिटी सर्कल क्या होता है दैट सम पीपल एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और वो ग्रुप्स आपस में कॉर्डिनेट करके क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट इवालूशन दिस वॉज ऑल अबाउट इवॉल्यूशन ऑफ टीक्यूएम लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड कस्टमर ओरिएंटेशन सेकंड इज कॉल्ड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट And third one is called employee involvement. अब एक, एक करके सबको कवर करते हैं कस्टमर ओरियंटेशन में क्या होता है पर्पस ऑफ टीक्यूएम टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट मैं कई बार आपको बता चुका हूँ डेफिनेशन में भी हमने बात की कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ कर उसको पूरा करना उसको सैटिस्फाई करना दट इज वॉट द पर्पज ऑफ कस्टमर ओरियंटेशन इज

ऑब्वियस बात है रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो कंपनीज को क्या करना होगा दे नीड टू अडेप्ट उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को एनवायरमेंट को गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हर चीज को उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा एंड फॉर दिस दे नीड नीड न्यू प्रोडक्ट्स न्यू प्रोसेस न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग टू स्टे हेड ऑफ कॉम्पिटिशन तो अगर आपको कॉम्पिटिशन में हेड रहना है बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो उसी नीड को कोई और कॉम्पिटेटर सैटिसफाई कर देगा एंड दैट इज द रीजन वाई यू नीड टू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स यू नीड टू कम अप विद अपू प्रोसेस नीड टू कम अप विद न्यू मार्केटिंग वेज जिसकी वजह से कस्टमर के माइंड में आप बने रहे प्लस कस्टमर हमेशा ये फील करे दैट द ब्रोडर ब्रांड और द कंपनी इज सैटिस्फाइंग माई नीड्स टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी इम्प्रूव एज वेल टेक्नोलॉजी भी आपको टाइम टू टाइम इंप्रूव करनी पड़ेगी नई नई टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेगी इंट्रोड्यूस करके उसको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी जैसे कि कंपनीज लाइक जीरोक्स ने किया आपको अगर पता हो या याद हो कि जब फर्स्ट टाइम फोटोकॉपी मशीन आई थी तो उस टाइम पर वो मशीन बहुत ही बल्कि हुआ करती थी बट अगर आप आज देखें अपने आस पास तो कितनी छोटी छोटी कॉम्पैक्ट फोटोकॉपी मशीन आ चुकी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इंडस्ट्री पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज हो चुका है इनफैक्ट जीरोक्स ही वो कंपनी थी जिन्होंने बहुत तरह के मॉडल्स निकाले और इसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की। कोशिश इनफैक्ट उन्होंने कैजन सिस्टम को भी अडोप्ट किया जो कि जापान में भी काफी कंपनीज ने अडॉप्ट किया जिसकी वजह से वो लगातार अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पैक्ट बनाते गए और हमेशा से अपनी कॉस्ट को कम करने में भी वो कामयाब हुए थर्ड

इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो उन प्रोसेसेस के साथ अडेप्ट कर पाए और वो डेवलप हो पाए लगातार अब इससे फायदा क्या मिलेगा इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि एक तो आपकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव करेगी एंड एट द सेम टाइम आपकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि इंप्लॉज जितना ज्यादा ट्रेन होगा उतना ज्यादा वेस्टेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाएगी क्वालिटी सर्कल इज अ गुड एक्साम्पल क्वालिटी सर्कल के बारे में हमने पहले भी बात कर ली लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं उसके ऊपर

जब फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर को डिजाइन करता है तो वो देखता है कि इसमें बहुत सारे वायर्स इधर उधर होते हैं तो ही आस्ट हिज फेलो

ऑलवेज डिजाइन ग्रेट प्रोडक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टीव जॉब्स तो एक सेटिसफेक्शन बहुत अच्छा जनरेट होता है थर्ड थिंग गुड इमेज ऑफ द कंपनी लॉन्ग रन में आपकी इमेज ही आपको ला के देती है तो so, अगर आप कस्टमर्स के साथ सोचकर चल रहे हैं कि सिर्फ एक टाइम ट्रांजेक्ट करके हमें निकल जाना है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा लॉन्ग रन में बहुत लॉस होगा तो so, अपनी इमेज के ऊपर काम करते हैं और वो क्वालिटी सर्विस और क्वालिटी प्रोडक्ट से ही पॉसिबल है नेक्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन मशीन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेस हर चीज एक बेटर फॉर्म में यूटिलाइज होती है बिकॉज क्वालिटी अगर आपका फोकस है तो वेस्टेज कम होगी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा एंड विल रियलीक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेस्ट मैनेजमेंट गेट्स एक्टिवेटेड जितने भी वेस्ट पहले बहुत ज्यादा हो रहा था वो कम हो जाता है चाहे प्रिवेंशन की वजह से चाहे लोगों की कॉन्शियसनेस की वजह से चाहे डिफेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन की वजह से बट हर लेवल पर हम वेस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंप्लॉय गेट मोर कमिटेड टूवर्ड्स क्वालिटी इंप्लॉइज भी बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और क्वालिटी कई बार रिवॉर्डिंग भी हो जाता है के लिए। तो कंपनीज़ कहती हैं आप ज्यादा मत बनाओ लेकिन जो बनाओ क्वालिटी बनाओ दैट इज वाईट help as a booster or it boost the morale of the employee let's talk about the requirements ki tqm ke liye agar hum successful tqm ko implement karna hai to hume kya kya cheezon ki requirement hogi uske bare mein baat karte hain the first requirement will be the objectives and the firm policies must reflect its commitment towards quality and customer satisfaction हमें एक बात हमेशा समझनी है कि कोई भी चीज तभी पॉसिबल है जब वो चीज आपकी पॉलिसीज़ का पार्ट है आपके ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है आपकी फिलॉसफी का पार्ट है आपके कल्चर का पार्ट है और वो क्या चीज दिखाता है कि आप क्वालिटी की तरफ कमिटेड है आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर सेंट्रिसिटी जिसको हम कहते हैं कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है भाई हमारी तो अगर आप जब तक इसको नहीं फॉलो करेंगे ये पॉसिबल नहीं हो सकता सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द टीक्यू एम मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी इंप्लॉय जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो किसी लेवल पे टॉप पे है मिडिल पे है, है सबको आप कम्युनिकेट करें कि भाई टीक्यूएम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग द प्रोग्राम मस्ट बी डिजाइन प्रॉपरली टीक्यूएम के जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हो क्वालिटी कंट्रोल यूज कर रहे हो कंट्रोल चेक यूज कर रहे हो प्रोसेस कंट्रोल यूज कर रहे हो ब्लू यूज कर रहे हो ये सब कुछ हमें प्रॉपरली डिजाइन करना है और

ताकि वो आपको बता दे कि टीकेएम को हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं बट यहां पे मैं थोड़ा सा आपको नक्सल में रिवाइज भी करा देता हूं पीडीसीए है क्या प्लान डू चेक एंड एक्ट दीज आर द फोर स्टेजेस अब यहां पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं द फर्स्ट स्टेप इज ले डाउन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करना चाह रहे हो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीक्यूएम सबसे पहले आप इसको मेंशन करो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आउट द मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे चाहे वो गैंट चार्ट यूज होगा या, या, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए मॉडल यूज होगा या कोई भी जो भी चीज के लिए आप यूज कर रहे हो तो उस चीज का आप यहां पर मेथड uh, को चौकआउट करोगे थर्ड थिंग इज एजुकेट एंड ट्रेन वर्कर्स एंड मैनेजर्स मैनेजर्स और वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दो कि उन मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है स्टार्ट योर ऑपरेशन

ऑपरेशंस आपको अपने सारे ऑपरेशंस को प्रॉपरली एनालाइज भी करना पड़ेगा मैं आपको एक एक और एग्जांपल देता हूं जब आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं वहां पर जो बर्गर आप खाते हैं तो बर्गर के अंदर जो टिक्की होती है जिसको हम आलू की पेटी भी कहते हैं जब आप अगर आप उसके प्रोडक्शन प्लांट में भी जाओगे तो आप देखोगे कि उसको एक रिंग टेस्ट से क्रॉस करना पड़ता है एक रिंग होता है उस रिंग से अगर वो पास हो जाता है तभी आप उसको एक्सेप्ट करते हो अदरवाइज अगर वो रिंग में कहीं अटक जाता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हो एंड इज द रीजन वाई वो सभी जो टिक्कीज होते हैं उनका साइज जो होता है वो सेम होता है सो so, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है बट आप अंडरस्टैंड करें कि इतनी सी छोटी सी चीजों का भी कंपनीज ध्यान रखती है बिकॉज दे वॉन्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन इन दर प्रोसेस एंड दैट इज वॉट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट तो आई होप आपको यह सारा